पीछे हट जाए, मंच पहले हट जाए सभी भाई। त्यागी जी आप कह रहे थे हमें भाजपा से कोई खानदान लड़ाई नहीं, दिक्कत ये भाजपा को तो खानदान से लड़ाई है। लेकिन आज मैं अपने खानदान में खड़ा हूँ, अपने बड़ों में, आप भी मेरा सुरक्षा कवच हो, संरक्षक हो, मेरी चाची ताई है यहाँ, तो मुझे तो कोई किसी बात की फिक्र होनी नहीं चाहिए। आपने मुझे बहुत ताकत दी है, इस मंच को ताकत दी है, हमारे कार्यकर्ताओं को ताकत दी है, और अभी जो खतौली का निर्णय आया है मैं देख रहा हूँ आपके चेहरे, बेहद खुशी की लहर है। आज आपके आंखों में जो चमक है और जो मुस्कुराहट आपके चेहरे पर आ रही है, जो पुराने बैठे यहाँ, ये मेरी पूंजी है। और खतौली के आप की जनता को और आपको, क्योंकि आपका आशीर्वाद साथ था, अब घर में आभार तो नहीं दिया जाता, लेकिन मेरे मन में कुछ भाव है, और मैं यही कहना चाहता हूं कि हमें हिम्मत से और हौसले के साथ आगे बढ़ना। दुष्यंत जी की एक कविता की एक पंक्ति इस बात पे ठीक बनती है कि रहनुमाओं के अदाओं पे फिदा है दुनिया, रहनुमाओं के अदाओं पे फिदा है दुनिया, इस बहकती दुनिया को संभालो यारो, कैसे आकाश में सुराख नहीं हो सकते, एक पत्थर तो तबियत से उछाला। तो जो कोई कल्पना नहीं कर सकता था वो एक पत्थर आपने उछालने का काम किया, और जो इनका फसाद था, जो हुआ था, वह कमजोर हुआ। आज लोगों को भरोसा हो रहा है कि नहीं, अगर हम अपने मुद्दों की बात करेंगे तो जनता को बातें पसंद आएंगी, जनता हमें मौका देगी, ताकत देगी। ये पूरे चुनाव में उन्होंने दंगे की बात की और कोई बात इन्होंने की नहीं। आज भी देखो रोज नई नौटंकी होती है। हमारे प्रदेश में इतनी समस्याएं हैं, इतनी चुनौतियां हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी को उसकी कोई चिंता नहीं। कल रात को मैंने उनका बयान देखा कि वो भगवा को कपड़ा पहना है किसी फिल्म में, कोई नाच रही, अरे कोई बात है, ये भी कोई बात होगी। इन्हें इतना समय क्यों मिल रहा है कि पिक्चर देख रहे हैं, कहा देख रहे हैं पिक्चर। और अकेले में देख रहे होंगे इस पिक्चर। आवाजी मुद्दों की बात करो, अभी तक आपकी सरकार गन्ने का भाव तय नहीं कर पाई, क्यों नहीं तय कर पाई? सारे आंकड़े सरकार के पास होने चाहिए, गन्ना शोध केंद्र है, विशेषज्ञ हैं, किसान हैं। पहले तो प्रक्रिया होती थी, ये होती थी कि किसानों को बुलाया जाता था विधिवत, किसान की जो तकनीकी जानकारी होती है खेती के बारे में, वैज्ञानिकों को तो पता होता है लेकिन किसान को मालूम होता है क्या चीज कहाँ फिट बैठती, क्योंकि अनुभव है, पीढ़ी दर पीढ़ी वही काम है, माँ की कोख में वो काम सीखा, निकला वही काम किया, ये आपका परिचय है देश में। लेकिन किसान की राय ली नहीं जा रही, पहले प्रक्रिया में किसान से पूछा जाता था, कोई प्रक्रिया नहीं, किसी को मालूम नहीं, आयरन कर्टन की तरह एक पर्दा सा डाल दिया है, कोई झांक के भी नहीं देख पा रहा, समझ नहीं पा रहा बाहर से कि क्या है प्रक्रिया। प्रक्रिया आसान है, पूंजीपति को बुलाते हैं, ड्राइंग रूम में बैठाते हैं, चाय बिस्किट पिलाते हैं, मेज के नीचे कुछ लेते हैं और भाव तय हो जाता है। यूं हो रही देरी, किनके फायदे के लिए देरी हो रही है, नुकसान तो हमारा और आपका ही है, लेकिन फायदा किसको पहुंच रहा है ये पूरी दुनिया जानती है। मदन जी ने बात की बराबरी की, बात की चौधरी चरण सिंह जी की, पूरी राजनीति सामाजिक समरसता पे ही आधारित थी। आज आप देखो इस सरकार ने कुछ अच्छे काम भी किए होंगे, लेकिन मुख्य तौर पे सरकार क्या काम कर रही है कि जो रिक्शा चलाने वाला आदमी है, जो बुग्गी और ट्रैक्टर चलाने वाला आदमी है, जो खुरपी और हल और नल चलाने वाला आदमी है, उसे कमजोर किया जा रहा है, और ताकत उन्हें दी जा रही है जो चंद लोग इस देश में हैं, जो आपसे पहले देश के मुख्यधारा में रहे हैं, जिनके हाथ में देश की बागडोर पहले भी रही है, उन्हीं लोगों को मजबूत करने पे ये सरकार तुली हुई। एक अमला जामा पहनाया जाता है कि गरीबों के हितैषी हैं,
अनाज बांट दिया, राशन दे दिया। लेकिन इतने अचंभे की बात है कि एक तरफ सरकार कहती है कि पता नहीं कितने करोड़ लोगों को हमने राशन दिया, लेकिन वही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो बड़ी प्रतिष्ठित मानी जानी संस्थाएं हैं, जब वो शोध करती हैं, सर्वेक्षण करती हैं, उनका प्रतिवेदन निकलता है, वो तुलना करती है देशों में, तो भूख में और कुपोषण में हर साल नए कीर्तिमान हमारा देश स्थापित कर रहा है। हम सबसे फिसड्डी साबित हो रहे हैं, हमारे पड़ोसी देश भी हमसे बेहतर हैं। आर्थिक और सामाजिक विषयों पर बांग्लादेश ने भारत से पिछले कई सालों में, अभी हाल के जो साल हैं, उनमें बहुत तेजी से तरक्की की है। लेकिन हम लोग इसी में खुश हैं कि हम दिवाली पे पटाखे चाइना से नहीं खरीदेंगे, लेकिन चाइना कहां घुसपैठ कर रहा है, कितने सैनिक भेज रहा है, क्यों भेज रहा है, क्यों आक्रामक हो रहा है, क्यों, वो जानकारियां संसद सत्र के चालू सत्र में, संसद में भी रखने को सरकार तैयार नहीं है, संसद में चर्चा कराने को तैयार नहीं, उस बात की हम चर्चा ना करें, संज्ञान ना लें। तो ये ऐसा होता है ढिंढोरा पीटना, रोज नया एक काम जोड़ दिया जाता है जिसको, इससे वास्ता हमारा आपका कतई नहीं है, कोई वास्ता नहीं इन बातों से। लेकिन ये है कि देखो वहां बंदर नाच रहा, बंदर नाच रहा, बंदर नाच रहा, वहां देखो देखो, ये काम सरकार का। लेकिन हमने और आपने दृढ़ निश्चय के साथ अपने मुद्दों से बगल हटना नहीं है। आज देश का किसान बेहद कमजोर हो चुका, आप हिसाब नहीं लगाते, हिसाब लगाइए। आज मौका, क्योंकि चौधरी चरण सिंह जी की स्मृतियों को के सम्मान में आज ये आयोजन हो रहा है, तो आज हमें एक अवसर मिल रहा है कि हम देखें हमारी हमारी ताकत, हमारा इतिहास, और आज हम लोग कहां खड़े हैं। यूरिया का भाव, डीएपी का भाव भी बढ़ा है, और 5 किलो की चोरी भी हो गई। इन्हें चोरी है और क्या है, जो कट्टे से 5 किलो पीछे से नीचे से निकाल दिए हो और भाव भी बढ़ा दिया, और अब तो लिक्विड यूरिया आएगा तो उसका हिसाब तो आप बना ही नहीं पाओगे कि पहले क्या भाव था और अब कितना चाहिए आपको। बिजली पूरे उत्तर भारत में सबसे महंगी बिजली है, इन्होंने वादा किया था 5 साल किसान को बिजली का बिल नहीं मिलेगा। 3000 भी अगर आप किसान को देने हो तो पूरी सरकार उस किसान के दरवाजे पे आ जाती है। लाखों करोड़ रुपए लोग भटक गए, हजम कर गए, कुछ भाग गए, कुछ अभी भी यही है, उनके विरुद्ध सरकार की उंगली, कोई आरसी, कोई गतिविधि सरकार की नहीं, उन लाखों करोड़ रुपए उनके माफ हुए। आरबीआई को चिट्ठी लिखी जाती है, आरबीआई का आरटीआई दिया जाता है, आरबीआई से सवाल पूछा जाता है कि तुम खुलासा करो कि देश में कौन वो लोग हैं जो 100 करोड़ से ज्यादा जिन्होंने कर्ज लिया और जानबूझ कर चुकाया नहीं, एक सूची तो दे दो, देश को पता तो लग जाए। लेकिन मजाल है, आरबीआई कहता है ये सूची तो हम नहीं दे सकते। लेकिन अगर 3000 रुपए यहाँ गांव में किसी किसान को देने हो तो पूरा ढिंढोरा पीटते हुए पूरी सरकार पूरे गांव को बताती हुई जाएगी कि ये है बकायदा, ये प्रक्रिया है, नाम सूची पे लिख के आपके दरवाजे पे छाप के छोड़ दिया जाएगा कि तुम बकायदार हो, तुम तो चोर हो, तुमने बड़ी बहुत बड़ी चोरी की है। लेकिन 100 करोड़ ले लो, कोई पूछने वाला, कोई बताने वाला नहीं। तो इसलिए मैं कहता हूं ये सरकार किसान से तो है लेकिन किसान की नहीं। तो सरकार अपनी बनाओ, अपनों की बनाओ, या अपनों को इतना मजबूत करो कि सरकार में उनकी दखल बढ़े और सरकारी नौकर, सरकारी तंत्र, सरकार में सत्ताधारी नेता उनसे डरे, तब तो है जो चौधरी चरण सिंह जी ने कल्पना की, जिसके लिए चौधरी अजीत सिंह जी ने काम किया, जिसके लिए हमारे बीच अभी भी लोग प्रयास कर रहे हैं, तब तो जो उन्होंने परिकल्पना देखी है, जो सपना देखा है वो पूरा। मैं बधाई देता हूं, बहुत प्यार के साथ आपने आयोजन किया, अपने घर में बुलाया है, आशीर्वाद दिया है। कल मैं आपको न्योता देता हूं कि खतौली में भी एक आयोजन है, 23 तारीख में चौधरी चरण सिंह जी की जयंती को भरतपुर हम लोग मनाएंगे, तो रास्ते में मथुरा से पेड़ा लेते हुए जाना, वापसी में आगरा का पेठा लेते हुए आना, पूरी मौज होगी।
भरतपुर में चिड़िया तो दिखती नहीं है। मैं एंडी को भी कहता हूँ भाई पंजे तेरा गाना तो पूरा हिट हो गया, आरएडी भी हिट होगी, चिंता ना कर। नौजवानों में बहुत रुचि बनी और बड़ा योगदान रहा और इन नौजवानों की फिक्र हमें करनी है। चौधरी चरण सिंह जी कहते थे कि भाई किसानी में अगली पीढ़ी के सारे सदस्यों को लगा हुए जमीन इतनी छोटी है तो कारगर नहीं, वो व्यवहारिक काम नहीं है, दूसरे कामों से उनको जोड़ो। और आज देश के नौजवान जो किसान की मजदूर की अगली पीढ़ी है, हमें उनकी तरफ देखना है, उनकी क्या समस्या है, वो लोग क्या चाहते हैं। बच्चे भर्ती में जो प्रक्रिया है आज इनके गिरफ्त में नहीं हुई, वो उस व्यवस्था से भी इन बच्चों को बाहर किया जाए। और जब सरकारी उपक्रम नहीं बचाएंगे, सरकारी कंपनियां नहीं बचाएंगी, सरकारी कारखाने नहीं बचाएंगे, तो दिए जाओगे आरक्षण, इसको लाभ मिलेगा आरक्षण, तो सब प्राइवेट हैंड में हो जाएगा। तो पेचीदगियां हैं हमारे देश के संविधान के तहत। कुछ व्यवस्थाएं थी कि जो सामाजिक शोषण जिन जातियों ने, जिन लोगों ने सहा है सदी पर सदी, सदी दर सदी जिन जातियों ने शोषण सहा है, उनको आगे बढ़ाने के लिए, बराबर बनाने के लिए सरकार कुछ विशेष कदम उठा सकती है। ये संविधान का प्रस्ताव है और लागू हुए देश। लेकिन अब अगर आर्थिक आधार पर भी आरक्षण संभव है, तो जो चौधरी चरण सिंह जी ने चाहते थे, तो फिर क्षेत्रीय आधार क्यों नहीं, फिर गांव के बच्चों के लिए क्यों नहीं, ये भी एक सवाल है। तो ईडब्ल्यूएस के कोटे के बाद ये सवाल उठने हैं और ये बातें व्यवहारिक हैं। मैं संसद में भी एक प्रस्ताव रखूंगा कि एक सामाजिक बराबरी आयोग का गठन हो, जो ये देखे कि गांव के बच्चे, गरीब दबे कुचले वर्ग के बच्चे, महिलाएं, इतनी सरकारी भर्ती हो या निजी क्षेत्र में भर्तियां हो, नौकरी हो, और किस तरह की नौकरियां हो, कितनी उनको मिल पा रहे, और उसके लिए व्यवहारिक नीति बनाई जाए, और पूरी जो आरक्षण की व्यवस्थाएं हैं उनको देख। ये ऐसा नहीं है कि एक बार कर दिया दे दिया तो हमेशा हमेशा के लिए यही व्यवस्था में ढोनी, नहीं, परिवर्तन बदलाव समाज का भी नियम है। और इन व्यवस्थाओं में भी सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो देखे कि आगे क्या चीज सफल रहे। एक और मसौदा मैंने संसद में इसी सत्र में पेश किया है और मैं नौजवानों से उसकी बात करना चाहता हूं। हमारे यहां पहले एक प्रथा होती थी कि जो बड़े विश्वविद्यालय थे उनमें जो चर्चाएं होती थी, उनसे जो आंदोलन निकल के आते थे, जो आवाज निकल के आती थी, उसका प्रभाव समाज पे और राजनीति पे बेहद प्रभावशाली होता। और नेताओं के इतिहास को अगर आप देखेंगे, जो आज बड़े बड़े नेता हैं, हो सकता है कभी उन्होंने अपने विश्वविद्यालय के कैंपस पे समाज के, देश के किसी विषय पे चर्चा में उन्होंने भाग लिया हो, या उस समय का कोई बड़ा नेता कैंपस पे आया हो जिनसे वो रूबरू हुए हो, कारण जो भी हो, उनके दिल में चिंगारी से जली, चेतना जागी और राजनीति में उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, छात्र राजनीति से शुरुआत। लेकिन अब हम देख रहे हैं खासतौर से पिछले दो दशक में उत्तर प्रदेश में छात्र राजनीति का आज वो अस्तित्व, वो पहचान नहीं है। कुछ लोग हैं जो गुंडागर्दी करते हैं, छात्र राजनीति के नाम पर वसूली करते होंगे, लेकिन आमतौर पर किसी भी छात्र को मालूम नहीं कि ये लोग अगर राजनीति कर रहे हैं तो उसका लाभ हमें क्या मिले, और ना ही कोई बड़े परिपक्व नेता उस व्यवस्था से निकल के आ पाए। आज आप 21 साल की उम्र में प्रधान बन सकते हो, 21 साल की उम्र में पार्षद बन सकते हो, शादी कर सकते हो, पिता बन सकते हो, सरकारी भर्ती में जाके सरकार में अफसर बन सकते हो, 21 साल में बड़े फैसले ले रहे हो देश के लिए, आप मतदान कर रहे हो 21 साल में, लेकिन आप विधायक और सांसद नहीं बन सकते। तो मैंने मसौदा तैयार किया है ताकि जो कम से कम जो छात्र नेता भी हैं, जो अच्छे हैं, जो बच्चे हैं, जो समाज के बीच रहते हैं, आज ये देश के राजनीतिक मुख्यधारा में आपकी गिनती नहीं है, लेकिन निश्चित तौर पर, क्योंकि आज कोई 70 साल का माफ मत करना राजेंद्र जी, बुरा मत मानना, माफ कर दीजिए, बात हो रही थी ना जवानी की, कौन बुजुर्ग है कौन नहीं, कोई 70 साल की अवस्था में 50 साल बाद क्या होगा इतनी चिंता नहीं करता,
लेकिन कुछ ऐसे मुद्दे हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसे विषय हैं जिनको आज नौजवान को चिंता करनी चाहिए। जलवायु परिवर्तन उनमें से एक मुद्दा है। जब दुनिया का तापमान 2-3 डिग्री बढ़ जाएगा तो जहां आज पानी नहीं वहां बाढ़ आएंगी। आज जो आप फसल बो रहे हो वो संभव नहीं होगी। शहर के शहर, देश के देश डूब जाएंगे, द्वीप उनकी पहचान बदल जाएगी। शायद कोई 70-80 साल की अवस्था में कोई राजनीति में कितनी बड़ा नाम क्यों ना हो, कितना विद्वान क्यों ना हो, उतना नहीं सोच रहा। लेकिन आज 21 साल के नौजवान को तो सोचना होगा। तो इस तरह के लोगों को भी मौका मिलना चाहिए। इसलिए मैंने अपना निजी विधेयक संसद में डाला है कि 25 साल से घटाकर उम्र 21 साल की हो। मैं चाहता हूं कि नौजवानों के माध्यम से ये इस प्रयास को आप ले जाएं जनता के बीच, नौजवानों के बीच, यूनिवर्सिटी कैंपस में, कॉलेज में। और एक हस्ताक्षर अभियान भी हम लोग चलाएंगे, उसमें भी आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। जब भूमि अधिग्रहण कानून बना था तब भी हमने एक निजी मसौदा तैयार करके पेश किया और वो कानून बन गया। 1894 से जो अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया कानून था वो कानून बदल गया, क्योंकि जनता की इच्छा शक्ति जाहिर हुई। जनता के आशीर्वाद से उस सदन के एक सदस्य के तौर पर लोकसभा में मेरा एक विधेयक पास हो गया, एक प्रयास पास हो गया, पारित हो गया। क्योंकि सरकार ने अपना कानून उसी सदन में लाकर, जो कभी संभव नहीं होता था, क्यों पहले किसी भी जमीन पर डीएम चाहता, कलेक्टर चाहता तो अधिग्रहित हो जाती और आपका कोई अधिकार नहीं बनता, आपको मुआवजा भी उचित नहीं मिलता था और कोर्ट में लड़ते थे लोग 30-40 साल मर जाते थे, उनके बच्चों को, उनके पोतों को, पोतियों के साथ भी कभी न्याय मिले ना मिले कोई व्यवस्था नहीं थी। चौधरी अजीत सिंह जी की बहुत बड़ी देन है। उस समय ग्रामीण विकास मंत्रालय पे हम लोग गए जब सरकार मसौदा तैयार कर रहा और सरकार के प्रस्ताव में उनकी मंशा ये थी कि जिस दिन ये कानून पारित होगा ये कानून उस दिन से लागू। जितने लंबित विषय हैं, और गाजियाबाद में तो हर गांव का मसला है, वो पुराने कानून से ही रहेंगे। लेकिन चौधरी अजीत सिंह जी ने कहा नहीं, जहां जिस क्षेत्र में आंदोलन हो रहा है, जिस कारण से तुम कानून बना रहे हो, उन किसानों की बात समझो। और तब जाके वो एक क्लॉज उसमें डाला कि जो 5 साल से लंबित जहां पोजीशन किसान पे हो या कोई कोर्ट चला गया हो तो वो भी नए कानून का फायदा, लाभ उन किसानों को मिलेगा। बहुत बड़ी जीत थी। लोगों को तो जानकारी नहीं होगी चौधरी साहब ने ढिंढोरा नहीं पीटा इस बात का, लेकिन वो बहुत बड़ी सफलता। तो इसलिए मैं उम्मीद करता हूं उसी तरह जो 21 साल का प्रस्ताव है आज कुछ लोगों को असंभव लगता हो, लेकिन एक ना एक दिन होना है। एक ना एक दिन इस नौजवानों की संख्या सामाजिक स्तर पे राजनीति में बढ़ेगी, दखल बढ़ेगी और मुख्यधारा में आपको लाना है। इसके लिए हमने संकल्प लिया। मैं महसूस करता हूं कि अब मेरा जो शरीर है गर्म हो गया। हमने मेहनत की थी, आप तो किसान हो, मेहनत करते हो, आप भी देखते हो अगर पांव में छाला लग जाए और फिर आप आराम करोगे तो फिर मजबूती नहीं मिलेगी, लेकिन चलते रहोगे तो छाला जो चमड़ी आएगी वो मोटी आएगी। तो इसलिए मैं अपने कार्यकर्ताओं को कहना चाहता हूं, अगर आप घर बैठ जाओगे मेहनत करने के बाद तो जंग लग जाएगा। ये बॉडी गर्म है, गर्मी रखो। मैं तैयार हूं खतौली में, छोटे छोटे गांव में हम लोग, और लोगों ने उस बात को पहचाना। कौन जा रहा है लोगों के बीच? कोई बीजेपी का नेता कहां जा रहा है? जो विधायक बन गए कहां जा रहे हैं? उनकी तो एक दौड़ है यहां से लखनऊ, लखनऊ से यहां, लखनऊ जाते हैं, किसी की सिफारिश करते हैं, क्यों करते हैं? समाज के मुद्दों में कहीं मुझे दिखाई नहीं देते। इतना बड़ा किसान आंदोलन हुआ, किसी भी बीजेपी के बड़े नेता की हिम्मत नहीं बनी कि एक भी दिन जाकर किसानों से पूछ ले क्या दर्द है तुम्हारा। तो ये लोगों के बीच के लोग नहीं है, लेकिन लोकदल का कार्यकर्ता वही रहता है। हमारी जड़े गांव में है, हमारी जड़े देश के मुख्य धारा में है, समाज में है, लेकिन उन्हें पानी तो देना होगा। मैं कितने लोगों को नहीं जानता, नहीं पहचानता, लेकिन उनकी नजर में मैं उनका बेटा, उनका पोता हूं। उनकी नजर में जब लोकदल का कार्यकर्ता उनके बीच जाएगा तो आपके साथ ऐसा ही बर्ताव करेंगे जैसे जयंत के साथ करना चाहते हैं।
और किसी दल की वो कितनी ताकत नहीं। आप तो दूध भी पिलाते हो, मुझे 10 रुपए भी जेब में देते हो, आशीर्वाद भी देते हो, तो चाहिए मुझे और कुछ नहीं चाहता। ये मेरे लिए सबसे बड़ी पूंजी है आपका विश्वास। और मैंने तो संकल्प लिया है, मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे कार्यकर्ता भी अब घर नहीं बैठेंगे, घर नहीं बैठेंगे, मेहनत आगे जारी रखेंगे, ताकि अब नहीं कल जो चौधरी चरण सिंह जी की बड़ी विराट विरासत है वो हम लोगों से समझे। चौधरी अजीत सिंह जी ने मैं बहुत खूबियां दी, दिन रात वो आपकी चिंता करते, आखिरी वक्त तक उन्होंने आपकी चिंता की, लेकिन आज उस आशीर्वाद को आगे बढ़ाने की जरूरत, उस ताकत को आगे ले जाने की जरूरत। मैं धन्यवाद करता हूं गांव को, आपने बीड़ा उठाया और ऐसा ही जीर्णोद्धार मूर्तियों का जहां संभव हो गांव में करा दो। ये हमारे गांव है सारे, इन पे पार्टी के जितने बड़े हमारे पदाधिकारी हैं आप नजर रखो। मुझे बेहद चिंता हुई जब मैंने कट से मैं नीचे आया, गडकरी जी को उस समय चौधरी अजीत सिंह जी ने चिट्ठी लिखी, बात की, और गडकरी जी ने उस समय ठोस आश्वासन दिया, आपने ये रास्ता चौड़ा किया, खर्चा किया इस रास्ते पे, और निश्चित तौर से जब इतनी बड़ी सड़क बन गई है आपके लिए मेरठ और दिल्ली आवागमन कितना आसान हो जाएगा। पूरे गाजियाबाद को 100 गांव लगते होंगे इस सड़क पर, कितनी बड़ी आबादी को फायदा मिलेगा। तो मेरा भी आपको वादा है, जो कुछ भी करना पड़े, गडकरी जी को मैं भी चिट्ठी लिख चुका हूं, हम लोग विपक्ष में हैं, कितनी हमारी सुनी जाती है हम देखेंगे, लेकिन दिन रात एक करके आपके साथ इस क्षेत्र के साथ न्याय हो और ये सड़क की जो कट की जो मांग है आपकी उचित व्यवहारिक मांग है पूरी हो। एक और उदाहरण है कि सरकार की मंशा क्या है, बड़ी सड़क बनाओ, एक्सप्रेस वे, हाईवे, बिना टोल दिए इन रास्तों पर नहीं जा सकते। हमने प्रस्ताव दिया था हमारे मैनिफेस्टो में, चुनाव लड़े थे, हमने कहा था 25,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़क हम लोग बनवाएंगे उत्तर प्रदेश में। 25,000 किलोमीटर गांव की सड़कें अगर बन जाए उत्तर प्रदेश में, जिन पे आपको टोल देने की जरूरत नहीं, सरकार का वो बजट इतना है, इतने संसाधन सरकार के पास है, लेकिन 1 किलोमीटर भी गांव की सड़क जो खराब थे वो तो खराब ही है, कोई नया निर्माण सरकार नहीं कर रहा है। तो बड़े बड़े हाईवे दिखा रहे हैं, बड़े हाईवे पे कितने दिन चल पाओगे, टोल कितना दे पाओगे आप लोग, अब तो सीधा ही कटता है, इनका हिसाब सब ऐसा ही है, सीधा ही काट लेते हैं पीछे से नीचे से, पता नहीं लगने देते कहां से कट रहा है। तो मैं धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत आभारी हूँ, न्योता देता हूँ कल भी, और जो भरतपुर आ सकते हो भरतपुर भी आप जरूर पहुंचे, चौधरी चरण सिंह जी को श्रद्धांजलि दें। धन्यवाद।